क्या कारण है दही हंडी का कार्यक्रम और आपको गुस्सा? बैंड जहाँ पर ये कर रहे हैं ये बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ के जो ओनर है जो यहाँ के लैंड टैक्स भरते हैं उनकी परमिशन लेनी चाहिए। माननीय सीएम साहब के कुछ खास लोग अपना वर्चस्व लगाने के लिए, सिर्फ वर्चस्व दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं शिवसेना उद्धव गट के तरफ से ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये नॉन पॉलिटिकल बैनर जोन है, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बैनर फ्रॉम द लास्ट 24 इयर्स कभी हुआ नहीं है कि भाई अगर तुमको यहाँ कार्यक्रम करना है तो वेलकम करो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फॉलो प्रोटोकॉल्स यू आर ओके। तब इनको यहाँ पर मार्केट नहीं मिलने वाली, तो यहाँ पर लोगों का समस्या तो होने वाली है, तो जो लोग इनकम सोर्स के लिए यहाँ पर आते हैं थर्सडे मार्केट को उनका भी नुकसान होने वाला है। तुम पूरा इसको कवर कर रहे हो तो ये पूरा व्यापारी लोग का क्या है? इनका ऑब्जेक्शन उसी वजह से क्योंकि उनको हक नहीं है यहाँ पर परमिशन देने, अगर वो देता है देन दे विल हैव टू महानगर पालिका विल बी पुल टू कोर्ट। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने। आज दही हंडी के कार्यक्रम इसलिए होते हैं महाराष्ट्र में, खासकर ये त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि जन्मोत्सव कृष्ण जी का आने वाला है, और जैसे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव होता है उसके बाद सभी संपूर्ण महाराष्ट्र में भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। वहीं नायगांव वसई विरार में भी इस त्यौहार को एक रूप रंग देने का प्रयास यहाँ के स्थानीय लोग करते रहते हैं, संपूर्ण महाराष्ट्र करता है, यह भी यहाँ भी किया जाए, लेकिन नायगांव का एक स्थान है सिटीजन कॉलोनी, वहाँ पर यह विवादों का एक माहौल बन चुका है। यहाँ पर कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है उस कार्यक्रम को करने से पहले किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई, जिसके चलते उनका कहना है कि अगर किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले नॉर्म्स हैं उसका पालन नहीं किया जाएगा तो कैसे चलेगा। आइए इस पर बात करते हैं कि आखिर यहाँ की दही हंडी अब नहीं होगी या ये आयोजित नहीं किया जाएगा, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। माइकल मौसेज उपस्थित हैं, उनसे पूछते हैं, वही इस पूरे मामले को उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। माइकल जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार माइकल जी, क्या कारण है दही हंडी का कार्यक्रम और आपको गुस्सा? सचिन भाई, सबसे पहले बात तो दही हंडी का उत्सव के मैं विरोध नहीं हूँ। ये श्री कृष्ण जी के जन्मदिन का उत्सव है जो पूरे भारत मनाता है, और मैं खुद इस उत्सव को मैं प्रोत्साहन देता हूँ, मेरे स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, मेरा विरोध नहीं है इस ओकेजन पे। मेरा ऑब्जेक्शन है कि जो ये आयोजक कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये जो लैंड जहाँ पर ये कर रहे हैं ये बहुत छोटी जगह है, आप देखो ना, मुश्किल से यहाँ 100-200 लोग के भी जगह नहीं है यहाँ पर, और ये प्राइवेट जगह है। प्राइवेट जगह होने से आपको यहाँ के जो ओनर है जो यहाँ के लैंड टैक्स भरते हैं उनकी परमिशन लेनी चाहिए। ये एक सोसाइटी है मित्तल शॉपिंग सेंटर, उनकी परमिशन लेनी चाहिए। एक स्कूल है यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर 2,500 बच्चे पढ़ते, उनकी प्रिंसिपल से परमिशन लेनी चाहिए। सिटीजन्स कॉलोनी एसोसिएशन, उनकी परमिशन, 4 परमिशन आर रिक्वायर्ड। यस, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मैंने महानगर पालिका को, जी वार्ड को आज ये लेटर भी दिया है कि भाई यहाँ पर जो मित्तल बिल्डर है जिनकी लैंड टैक्स जो भरते उनकी परमिशन नहीं लेते हुए, और जो प्राइवेट जो जगह है इनके लैंड ओनर्स की परमिशन न लेते हुए भी माननीय सीएम साहब के कुछ खास लोग अपना वर्चस्व लगाने के लिए, सिर्फ वर्चस्व दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। शिंदे गुट के लोगों का कार्यक्रम, मगर उद्योग गुट, आप तो उद्योग गुट में कार्यरत हैं, लगातार आपका काम रहता रहे, तो लोग ये आरोप लगाएंगे ना शिंदे गुट के लोग कि आपने रुकवा दिया। मैं जेलस के कारण। सचिन सर, सबसे पहली बात तो मैं शिवसेना उद्योग गुट के तरफ से ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कॉलोनी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, नायगांव क्रिश्चियन एसोसिएशन का मैं एक अध्यक्ष हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 24 साल से रहता हूँ, और आप अगर इसको सिर्फ नज़र घुमा के देखो तो ये नॉन पॉलिटिकल बैनर जोन है, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बैनर फ्रॉम द लास्ट 24 इयर्स कभी हुआ नहीं है। प्लस यहाँ का एक वातावरण अलग है, अगर आप देखो तो जिनके 2 बिल्डिंग यहाँ पर है और यहाँ पर एक 37 बिल्डिंग है जो कि कैथलिक कॉलोनी है, यहाँ पर इस ये जगह ही इतनी छोटी है, जैसे छोटे छोटे पैंट दुकान वाले जो टेलर है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर थर्सडे को एक मार्केट लगती है, इस मार्केट को परमिशन हमने दिया क्यों, क्या क्या लोगों की सुविधा हो। आपको लगता नहीं माइकल जी कभी कभार क्या होता है कि आप जब आप इस तरह कार्यक्रम पे परमिशन और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं तो उस तरफ से आरोप लग जाता है कि कैथोलिक ने ये काम कार्यक्रम रोक दिया, इस आरोप पर क्या कहेंगे? सबसे पहले बात तो ये किसी धार्मिक
विषय पे नहीं है, ये जो धार्मिक था, ये कार्यक्रम धार्मिक है, पर जो इनके आयोजक है जो ये आयोजन कर रहे, ये प्रॉपर चैनल्स और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे। देखो आप अगर फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब बीकेसी में कार्यक्रम करते कोई ग्राउंड पे, तो क्या वो उस परमिशन लेता है कि नहीं लेता है? परमिशन लेता है ना लीगली। लीगली तो हम भी वही बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमको यहाँ कार्यक्रम करना है तो वेलकम करो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इसकी जो परमिशन है, जैसे कि मित्तल बिल्डर का परमिशन लीजिए, यहाँ की जो कमेटी है मित्तल शॉपिंग सेंटर की, डिस्टर्बेंस तकलीफ इनको भी होने वाली है, इनसे परमिशन लीजिए और ये लीजिए करो, कौन मना कर रहा है? परमिशन उन्होंने नहीं लिया, एक तो गलती उन्होंने ये की, दूसरा ये है कि अगर ये कार्यक्रम आयोजित होता तो समस्याएं कितनी खड़ी होती। समस्या ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि एवरी थर्सडे एक मार्केट लगती है, गुरुवार बाजार जो कि हफ्ते में एक बार होता है, तो जो हमारी माँ बहने यहाँ पर शॉपिंग करती हैं और अपने, ये अपने पूरे हफ्ते की चीज़ें खरीदते के खरीदते हैं, ठीक है, उन लोग उस दिन वो उन लोग कहाँ जाएंगे? उनको नेक्स्ट मंडे को जाके जूचंद्र में जाके मार्केट करना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ता भर इनको यहाँ पर मार्केट नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर लोगों का समस्या तो होने वाली है, लोगों का जो लोग इनकम सोर्स के लिए यहाँ पर आते हैं थर्सडे मार्केट को, उनका भी नुकसान होने वाला है, व्यापारियों का। ठीक है, यहाँ पर तुम पूरा इसको कवर कर रहे हो, तो ये पूरा व्यापारी लोग का क्या है? इनका ऑब्जेक्शन उसी वजह से। तो अब ये कार्यक्रम, तो ये ऑब्जेक्शन सिर्फ मैं एज अ कैथलिक नहीं हूँ, यहाँ पर जो दुकान है, जो यहाँ पर जो वेंडर्स बैठते हैं, या यहाँ पर जो वेंडर्स बैठते हैं, ये तो नॉन कैथलिक है। अब क्या लगता है माइकल, कार्यक्रम होगा या रद्द? देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर ये लोग अभी भी, उनके पास 24 घंटे, अगर मित्तल उनको परमिशन देता है, मित्तल बिल्डर जैसे सीलिंग कंस्ट्रक्शन है जिसका 712 पे नाम है, ऑलरेडी वेलिंगटनी स्कूल उनको परमिशन देता है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उनको परमिशन देता है, मेरी ऑब्जेक्शन नहीं है, फॉलो प्रोटोकॉल्स यू आर ओके। अगर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होता और महानगर पालिका को बोलने के बावजूद अगर महानगर पालिका इनको एनी टाइप ऑफ परमिशन ग्रांट करती है, थिंकिंग दैट दे कैन गिव इट, क्योंकि उनको हक नहीं है यहाँ पर परमिशन देने की, अगर वो देता है देन दे विल हैव टू, महानगर पालिका विल बी पुल टू कोर्ट ऑन दिस मैटर। तब तक आप होने नहीं देंगे और शांत नहीं बैठेंगे? मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये थे माइकल और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज का कार्यक्रम चल रहा था, अब ये स्टेज का कार्यक्रम लगभग बंद हो चुका है। राणे साहब कुछ जगह पर उस तैयारियों को जोर दे दिया गया था उन कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए, फिलहाल तो उन जगहों पर स्टेज का कार्यक्रम रोक दिया गया है और यहाँ पर लगभग वो कार्यक्रम जो दही हंडी का कार्यक्रम होने वाला था अब उसे फिलहाल रोका गया है। देखना ये होगा कि दही हंडी का ये कार्यक्रम जो नायगांव के सिटीजन कॉलोनी में विवाद का स्थल बना है, आखिर वो कार्यक्रम संपन्नता पूर्वक अपनी सफलता पूर्वक अपनी तरफ जाएगा, ये थम कर रुक जाएगा। आप देखना ये होगा कि इस पूरे कार्यक्रम का रूप रंग क्या कुछ नजर आता है। आज के लिए धन्यवाद।